हिमाचल दिवस के अवसर पर राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय बिलासपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की। वहीं मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। हिमाचल दिवस कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर में मंत्री राजेंद्र गर्ग ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान बिलासपुर पुलिस, गृह रक्षकों के जवानों व एनसीसी कैडेट सहित स्कूली बच्चों ने भाग लिया, जिसके बाद लोक कलाकारों ने लोकगीत व लोक नृत्य भी पेश किए। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जनता को संबोधित करते हुए हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी। राजेंद्र गर्ग ने प्रदेश व केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए प्रदेश में चहुमुखी विकास होने की बात कही। प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों, हमारे वीर जवानों की शौर्य गाथा और प्रदेश को निरंतर विकास के पथ पर आगे ले जाने में हमारे प्रदेशवासियों की कड़ी मेहनत का पर्व है, जिसके कारण आज यह हिमाचल प्रदेश हमको इस रूप में नजर आ रहा है। भाई और बहनों, हिमाचल के गठन के समय हिमाचल प्रदेश में कठिन भौगोलिक परिस्थिति और संसाधनों की अत्यंत कमी के कारण प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती प्रदेश के सामने थी। पीने के पानी की बात हो या बिजली की बात हो, सड़क तथा शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थानों जैसी मूलभूत सुविधाओं जो उस समय नामात्र थी, आज एक विराट स्वरूप उन्होंने प्रदेश के अंदर लिया है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के हमारे मेहनती और ईमानदार लोगों ने चुनौतियों का सामना करते हुए हिमाचल को एक खुशहाल राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। आर्मी की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है, और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी की को क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है minervaeducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएँ, ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पर शुरू कर